खबर शामिल करते हैं मलेशिया से, जहां यौम इस्तेहसाले कश्मीर 5 अगस्त 2021 की मुनासबत से पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया में तस्वीरी नुमाइश लगाई गई। इस तकरीब के मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मलेशिया मोहतरमा अमना बलोच ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए कश्मीरी अवाम के लिए खसूसी पैगाम भी दिया। आइए सुनते हैं इन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा। आज ये तस्वीरी नुमाइश हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान मलेशिया में इसका इनेकाज किया गया है, जिसका मकसद ये है कि जो भी हजरात, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या मलेशियन हैं, वो हाई कमीशन तशरीफ लाते हैं तो वो यहाँ पे तस्वीरों के जरिए कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं उनका वो उनको फर्स्ट हैंड देखने का मौका मिलता है, क्योंकि हर एक तस्वीर एक कहानी बयान कर रही है मजलूमियत की और तकलीफ की जिससे कश्मीरी इस वक्त दो चार हैं। 2 साल हो चुके हैं 5 अगस्त 2019 को ये हुकूमत इंडिया ने ये इकदाम लिया था, जिससे उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स, कश्मीरियों के जिंदगी का तर्ज जिंदगी, यानी कि सब कुछ बदल के रह गया है। और आज हम ये कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और इस अज़्म का अयादा करते हैं कि जब तक कश्मीरियों की जंग आज़ादी जारी है, हम उनका साथ देंगे और उनके साथ रहेंगे।